वेलकम टू एस्पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्लास टेंथ के बच्चों को भौतिकी फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से मैं पहला अध्याय से आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हूँ और आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का आंसर कमेंट बॉक्स में पीडीएफ में अपने पेज में बना करके पीडीएफ में मेरा कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे कितने मार्क्स लाते हैं, आपको 1 वीक के अंदर आपको नंबर भी पता चल जाएगी। तो बच्चे देखिए, प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर पहला चैप्टर है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है किस प्रकार से, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है किस में, यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है यानी कौन सा दर्पण, यहाँ पे आपका ऑप्शन है बच्चों। अगला देखिएगा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है अर्थात कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है बच्चों, ठीक ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे है। सातवां क्वेश्चन जो है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया है। उसके बाद देखिएगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा अर्थात दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। नवां क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर अर्थात फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, आप लोग इसे बताएंगे ऑप्शन में। देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है था धनात्मक ऋणात्मक ये क्या होती है आपको बताना, ठीक है। अगला देखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है यानी ऑप्शन आपके सामने है, देख रहे होंगे। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा ये 15 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, देखिए यानी लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जल कांच प्लास्टिक मिट्टी है ना, ऑप्शन यहाँ पे है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रहेगी। जब अगला देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है, ऑप्शन आपके सामने है बताना आपको। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है किसका, यानी फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है किस लेंस का, यहाँ पे दिया है या दर्पण का आपको बताना है आपको। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त जो होता है क्या होता है, आपको ऑप्शन देना है बच्चों। उसके बाद है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक ना, आप लोग को बना बना करके भेजना है। देखिए अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिया है। चलिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, कोण को क्या कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में किसका उपयोग होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं किससे, इसमें दिया है कि परावर्तन के कोण जो है किससे निर्धारित होते हैं, ये आपको बोलना है, ठीक है। अगला देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं, ये आपको ऑप्शन में बताना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। आगे देखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है, ठीक ना, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दाढ़ी बनाने समय कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, 29 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को एक बार फिर से शुरू से अंत तक मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, फिर मैं आपको, चलिए, जानना निकेतन आपका अपना कोचिंग सेंटर क्लास 10th का, मैं आपको फिजिक्स चैप्टर 1 70 मार्क्स का टेस्ट ले रहा हूँ, समझे ना बच्चों।
सब्जेक्ट साइंस है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देख ले बच्चों, देख ले सब सभी क्वेश्चन। आप इसे कमेंट में जरूर आप लोग ऑब्जेक्टिव का टोटल कमेंट आप आंसर करेंगे और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगी उसे आप पीडीएफ में बना करके भेजेंगे। चलिए देख ले बच्चों, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है बच्चों। 30 नंबर का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। यहाँ पे देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए ये चार ऑप्शन दिया है, 32। देखिए एक उत्तल लेंस होता है, ये देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, देखिए यू बाय भी, यू भी, यू प्लस भी, भी बाय यू। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है, ये देखिए समझे ना। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, ये आपको 3500 का ऑब्जेक्टिव बनाना है, समझे ना। और अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना, तथा लेंस किस प्रकार का होगा। देखो ये 2012-13-14-17 में पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचें, यानी प्रिज्म से होकर के जो प्रकाश की किरण गमन करती है उसका एक नामांकित चित्र बनाना है, ठीक ना। अब प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें तथा उसके नियम को लिखें। 39 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें तथा उसके नियम को लिखें। 40 नंबर, आवर्धन को परिभाषित करें, अवतल दर्पण में इसका व्यंजक प्राप्त करें। इन्हें आवर्धन आप तो जानते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में इसका व्यंजक प्राप्त करें। अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का रखा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का, कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 43 नंबर का देखिए क्या है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का सचित्र अंतर करें, यानी चित्र के साथ उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 44 नंबर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस को परिभाषित करें। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख को खींचिए जब वस्तु 2F यानी द्वितीय फोकस पर रखी हो। ये देखिए 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2014 में पूछिए, तो आप लोगों के आज के टेस्ट का, आज के टेस्ट का ये क्वेश्चन है। आप लोग बना करके मुझे भेजेंगे ऑप्शन के साथ, ऑब्जेक्टिव का जो मैं दिया हूं उन सबों का। चलिए क्वेश्चन देख लें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख लिए होंगे क्वेश्चन सभी। चलिए तो आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर मुझे भेजेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सहित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जरूर से जरूर टेस्ट में जुड़ें।